नए साल का आगाज हो चुका है। इसी साल लोकसभा के चुनाव होने हैं। हर दल चुनावी तैयारी में जुटा है, लेकिन बीजेपी को मात देने के लिए महागठबंधन का ताना बाना बुन रही कांग्रेस मायावती की धमकी के बाद उलझन में है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के लिए समर्थन देने के बाद अब बहुजन समाज पार्टी ने कांग्रेस के सामने नई शर्त रख दी है। अब सवाल इस बात का है कि बीएसपी की इस शर्त के बाद कांग्रेस क्या करेगी और महागठबंधन कैसे बनेगा। नया साल, महागठबंधन में नया बवाल। मायावती को कांग्रेस का साथ नहीं पसंद। हाथी नहीं बनेगा, हाथ का साथी। बहुजन समाज पार्टी ने राजस्थान और मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकारों से समर्थन वापस लेने की धमकी दी है। बीएसपी ने मांग की है कि 2 अप्रैल के भारत बंद के दौरान राजस्थान और मध्य प्रदेश में जिन लोगों के खिलाफ राजनीतिक और जातिगत बदले की भावना से केस दर्ज किया गया था, उसे वापस लिया जाए। ऐसा नहीं करने पर बीएसपी दोनों राज्यों की कांग्रेस सरकार से समर्थन वापस ले सकती है। देखिए, ये तो बसपा और कांग्रेस जाने कि उनका रिश्ता आगे कैसा चलेगा, लेकिन ये रिश्ता आपराधिक रिश्ता है और मुझे नहीं लगता हर मोड़ पे टोल टैक्स मांगेगा, तो कठिन ही चलेगा। 2 अप्रैल को SC ST एक्ट को लेकर भारत बंद किया गया था, जिस दौरान हिंसा की घटनाएं हुई थी। मध्य प्रदेश उन राज्यों में शामिल है जहां बंद के दौरान सबसे ज्यादा हिंसा की घटनाएं हुई थी। राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीएसपी ने कांग्रेस सरकारों को बाहर से समर्थन दे रखा है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने भी उत्तर प्रदेश में महागठबंधन को लेकर सख्त रुख अपनाया है। पार्टी महासचिव राम गोपाल यादव ने कहा है कि यूपी में महागठबंधन किसके साथ होगा, ये समाजवादी पार्टी और बीएसपी के अध्यक्ष तय करेंगे। देखिए, महासपा बसपा मानी रखती है और जिनके साथ होगा वो अखिलेश और मायावती जी तय करेंगे। MP और राजस्थान में कांग्रेस से सीटों को लेकर बात न बन पाने के बाद बीएसपी विधानसभा चुनावों में अकेले उतरी थी। बीएसपी को मध्य प्रदेश में 2 और राजस्थान में 6 सीटों पर जीत मिली थी। बाद में बीएसपी ने दोनों ही राज्यों में कांग्रेस को बिना मांगे ही समर्थन देने का ऐलान किया था। हालांकि बीएसपी की समर्थन वापसी के बाद भी दोनों राज्यों में सरकार को खतरा नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, Zee Media।